नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने शहर के वार्डो में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए। आइए देखते हैं पूरी खबर। किसान नेता योगेश तिवारी ने शहर के वार्डो में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की समृद्धि व खुशहाली की कामना किया। इस अवसर पर किसान नेता योगेश तिवारी ने कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश भर में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे देवता हैं जो हर काल में सृजन के देवता रहे हैं। वह संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक है, जिनसे जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही व्यापार में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24। धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़।